रखमर रहीम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल ए एस फूड आईडीज़ कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि सब हैरिये से होंगे आज मैं बना रही हूँ मिनी पीटा बाइट्स की रेसिपी बहुत ही ईजी बन के तैयार हो जाते हैं आप इसको मिनी शवारमा भी कह सकते हैं वन बाइट शवारमा भी कह सकते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है बहुत हेल्दी रेसिपी है आप इसको बनाकर अपनी पार्टीज़ में अपनी अवतार पार्टीज़ में ज़रूर रखिएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि ना ही हमने इसको ओवन में बनाना है और इसमें ऑयल भी हमने बहुत कम इस्तेमाल करना है तो आइए फिर अपनी रेसिपी को हम शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो आइए फिर बिस्मिल्लाह कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक अदद बाउल बाउल के अंदर मैं डाल रही हूँ दो कप मैदा छना हुआ मैदा है ये साथ ही हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर चीनी का डाल रही हूँ वन फोर टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है वन टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर ईस्ट ऐड कर दूंगी इसको ऐड करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी मक्खन यहाँ पर मेरे पास टू टेबल स्पून के करीब मक्खन है उसको मैंने मेल्ट कर लिया मेल्ट करने के बाद वो मैं इसमें डाल रही हूँ अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो टू टेबल स्पून के करीब आप इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं मखन ऐड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर एक अदद अंडा ऐड कर दिया है अंडा ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से पहले सब चीज़ों को मिक्स करूँगी इस तरह से करके जब ये इस तरह से भूर बुड़ सा हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है पानी आप यहाँ पर जरूरत ऐड करेंगे हमने ना ही ज़्यादा सख्त सी डो बनानी है और ना ही ज़्यादा नरम तो बस नॉर्मल सी हम इसकी डो बना लेंगे तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो सी है वो बनना स्टार्ट हो गई है तकरीबन तीन से चार मिनट के लिए आप इसको गूँधेंगे गूँने के बाद इसका आप एक पेड़ा बना लेंगे इसके ऊपर आप थोड़ा सा मक्खन या ऑयल लगा देंगे ताकि जब ये राइज हो तो ये इसके ऊपर सिकर ना आए तो ये करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे दो घंटे के लिए तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब हम इसकी चिकन रेडी करेंगे तो उसके लिए एक पैन में मैंने थ्री टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया है साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है वन टेबल स्पून के करीब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन कलर लाने तक हमने इसको फ्राई करना है बहुत ही ईजी रेसिपी है बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाती है तो ये देखिए थोड़ा सा हमारा जो सा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी यहाँ एक किलो के करीब मेरे पास यहाँ पर बोनलेस है बोनलेस को मैंने छोटे चुट छोटे से क्यूब्स में आ, कट कर लिया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटे चुट छोटे से क्यूब्स हैं उसमें मैंने इसको कट कर लिया और अब मैं इसको इसके साथ फ्राई करूँगी इसका भी कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे चिकन जो हमारा है वो पिंक से जब वाइट हो जाएगा तब तक हमने इसको फ्राई करना है ये देखिए इस तरह से ही हमें चाहिए अब मैं इसके अंदर डालूंगी स्पाइसेस तो स्पाइसेस में सबसे पहले जाएगा इसमें नमक हज जरूरत आप नमक ऐड कर लीजिएगा मैंने यहाँ पर वन टीस्पून डाला था हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ वन फोर टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूं वन फोर टीस्पून के करीब ही इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हाफ टी स्पून और लास्ट में मैं इसके अंदर वन फोर टीस्पून के करीब गरम मसाला ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर है ये इसको ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और इसकी हम थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स करेंगे फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम टू लो रखा है हाई फ्लेम पर इसको हमने कुक नहीं करना तीन से चार मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं उसका कच्चापन खत्म हो जाए बुनाई करने के बाद इसके अंदर मैं हाफ़ कप के करीब पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए तो इसको मैं मिक्स करूंगी मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन तो दस मिनट के लिए तो ये देखिए दस मिनट हो चुके हैं दस मिनट के बाद अब मैंने इसका कवर उठा लिया है तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो चिकन है बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है थोड़ा सा पानी था उसको मैंने हाई फ्लेम करके मैंने इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है आपने भी इसी तरह से इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई करना है बिल्कुल लास्ट में हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की ले ली थी उसके मैंने क्यूब्स कर लिए और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज है उसके भी मैंने क्यूब्स कर लिए हैं इसको अब हम इसके साथ मिक्स करेंगे इतना हमने इसको मिक्स करना है कि जौन सी हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाली हैं वो थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए हमने बस इसको इतना ही कुक करना है तो उसके लिए मुझे एक से दो मिनट लगे थे एक से दो मिनट में हमारी जो सी शिमला मिर्च और प्याज था वो सॉफ़्ट हो गया था तो उसके बाद मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया ऑफ़ करने के बाद दो मिनट के बाद जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ गया तो मैंने इसके अंदर कैचअप ऐड कर दिया है थ्री टेबल स्पून के करीब आपने फ़ौरन से इसके अंदर कैचअप ऐड नहीं करनी है गरम गरम तो आपने थोड़ी सी जो सी ये चिकन की हमारी जो फिलिंग है इसको थोड़ा सा हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे देन उसके बाद हम इसके अंदर कैचअप ऐड करेंगे ये देखिए कैचअप ऐड कर ली है और बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्ती हमारी चिकन की फिलिंग रेडी हो चुकी है तो अब हम अपने डो देख लेते हैं कि राइस हुई है कि नहीं तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो सी डो है वो बहुत अच्छी तरह से दो घंटे में राइस हो गई थी ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डो बनी है तो ये देखिए अब मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी और इसमें से हम हजबैंड सूरत थोड़ा सा पेड़ा निकाल लेंगे हमने ये सारा पेड़ा नहीं निकालना है थोड़ा थोड़ा करके हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो अब मैं इसको बेल लूँगी बेल के हम इसको बड़ा कर लेंगे ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं करना है और ना ही ज़्यादा इसको मोटा रखना है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कितना चाहिए तो ये देखिए हमें एक नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा इसको मोटा बेलना है तो ये बेलने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी मेरे पास यहाँ पर एक स्टील का गिलास है अगर आपके पास कोई भी कटर है तो आप उससे कर लें तो मैं इस तरह से इसको कट करती जाऊँगी साइड पे मैं खुशके के अंदर इसको लगा कर फिर मैं गिलास को पहले मैं खुशके के अंदर लगा रही हूँ और उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ इस तरह से हम इसकी सारी कटिंग कर लेंगे हाँ जी तो ये देखिए कटिंग मैंने कर ली है पहले से मैंने बनाए हुए हैं थोड़े से अब मैं उसके अंदर ही रख दूंगी। मैंने नीचे थोड़ा सा हश्का डाला है ताकि ये प्लेट के साथ चिपके नहीं तो ये देखिए हमारे बनके तैयार हो गए इनको 10 मिनट के लिए आपने रेस्ट दे देना है देन उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पैन ले लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको सेंकना शुरू कर लेना है यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़े से करके इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ और इसकी हम सिखाई करेंगे ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है इसी तरह से सारे हम बना लेंगे जो जो बनते जाएंगे उसको हम एक छानने में रखते जाएंगे ताकि इसकी हवा क्रॉसिंग रहे जो बनते जाएंगे उनको हम साइड पर निकालते जाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपने इसको पाँच से दस मिनट के लिए रेस्ट लाजमी देना है ताकि ये थोड़े से राइस हो जाएं दैन उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए मैंने दो कप मैदे से कितनी ज़्यादा पीटा ब्रेड्स बनाकर तैयार कर ली हैं मिनी पीटा ब्रेड्स हैं आप इसको मिनी शारमा भी कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार हो गए हैं ये देखिए माशाल्लाह हमने इसको दस मिनट की रेस्ट दी थी जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी तरह से राइस हो गए हैं अब ये देखिए अब हम चीज़ों को बस अब हमने इसम्बल करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अपने सरफेस पर ये मैं सारे जोड़ लूँगी ताकि मुझे आसानी हो जाए बनाने में पहले हम सब जो से पीटा ब्रेड्स हैं उनको इस तरह से लगा लेंगे लगाने के बाद अब मैंने इसके ऊपर लगानी है मेयोनीज ये सिंपल मेयोनीज है हमने इसके अंदर तो कुछ भी ऐड नहीं करना है ये हम थोड़ी थोड़ी सी इनके ऊपर डालते जाएंगे इस तरह से जल्दी से हो जाता है आसानी हो जाती है आपको तो मैंने इसलिए सरफेस पर मैंने ये सारे पीटा ब्रेड्स रख दी हैं अब मैं इसकी असम्बलिंग शुरू कर दूंगी, तो ये देखिए हमने इसको पूरी पीटा ब्रेड्स पर लगा देना है मैंने इसको ये सब के ऊपर मैंने लगा दिया है अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर चिकन ये देखिए चिकन अब हम इसके अंदर रखेंगे कम या ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं जितने जरूरत होगी उतना ही रखेंगे ज्यादा हमने इसको भरना भी नहीं है तो बस जितनी जरूरत होगी हम उतना ही चिकन इसके अंदर ऐड करते जाएंगे बाद में हमें अगर और जरूरत होगी तो हम इसमें और डाल लेंगे तो ये देखिए मैंने सब के ऊपर लगा लिया है लगाने के बाद अब ये देखिए इस तरह से करके मैंने इसको फोल्ड कर लेना है ये देखिए जबरदस्त सा इसी तरह से सब बना कर तैयार कर लेंगे और अब दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक तो ये देखिए जबरदस्त से हमारे मिनी पीटा बाइट्स बन के तैयार हो चुके हैं बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं ये देखिए इसके ऊपर मैंने एक एक ड्रॉप म्यूनिस का एड कर दिया है ये ताकि और ज्यादा खूबसूरत हैं तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी पीटा ब्रेड्स बन के बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गई हैं ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं ये वन बाइट है आप इसको वन बाइट की तरह खा सकते हैं बहुत ही जल्दी से ही बन के आपके सामने तैयार हो गई है हर चीज परफेक्ट बनी है और देखने में भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना टेस्टी लग रहा है तो आपने इसको ज़रूर बनाना है इसका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना है और प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे सपोर्ट करें आपके स्पॉट की बहुत ज़रूरत है तो ये थी आज की मेरी रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी फिर मिलेंगे इन अल्लाह हाफिज